नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। कुछ खास रिपोर्ट्स। टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों की तरफ से दिए जा रहे होटल पैकेज पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे टीका केंद्र को लेकर जारी दिशा निर्देशों के खिलाफ है, इन्हें तुरंत बंद कराया जाए। तो चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर और क्या कुछ कहा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों की तरफ से दिए जा रहे होटल पैकेज पर सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे टीकाकरण केंद्र टीकाकरण को लेकर जारी दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं और इन्हें तुरंत बंद कराया जाए। मंत्रालय ने ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अग्नानी ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना टीकाकरण के लिए होटलों के साथ मिलकर पैकेज दे रहे हैं। इसके तहत होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ टीकाकरण की पेशकश की जा रही है। अग्नानी ने साफ कहा है कि टीकाकरण के लिए सिर्फ चार विकल्प उपलब्ध हैं। पहला, सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। दूसरा, निजी अस्पतालों द्वारा संचालित प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। तीसरा, सरकारी कार्यालयों के कार्यस्थलों में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और प्राइवेट कंपनियों में निजी अस्पतालों द्वारा संचालित केंद्र। और चौथा एवं आखिरी, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड वैक्सीन सेंटर, जो RWA कार्यालय, हाउसिंग सोसाइटी, सामुदायिक केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल, कॉलेज, ओल्ड एज होम जैसी अस्थायी जगहों पर चलाए जा रहे हैं। अग्नानी ने कहा है कि इसके अलावा अन्य किसी भी जगहों पर राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए सितारा होटलों में टीकाकरण का प्रस्ताव करना नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। ऐसे टीकाकरण केंद्रों को तुरंत रोका जाए और ऐसा करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच नेपाल की सरकार द्वारा अरबों रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए और अयोध्यापुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। तो चलिए जानते हैं नेपाल सरकार द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया है। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच यहां की केपी शर्मा ओली सरकार ने प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए और अयोध्यापुरी में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की है। ये धनराशि देश के लिए प्रस्तावित बजट राशि में से आवंटित की गई है। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौड़ियाल ने बीते शुक्रवार को ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि यूनेस्को के विरासत स्थलों की सूची में शामिल पशुपतिनाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही चितवन जिले के अयोध्यापुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी बजटीय आवंटन किया गया है। इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा कि चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य घरेलू हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 20 अरब रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही कोरोना से प्रभावित पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नेपाल आने वाले पर्यटकों को 1 महीने के वीजा शुल्क की छूट देने की भी घोषणा की गई।
इस बजट की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश एक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बीते 22 मई को देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को 5 महीने में दूसरी बार भंग कर दिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सलाह पर 12 नवंबर और 19 नवंबर को चुनाव की घोषणा की गई थी। ओली नेपाल में अल्पमत सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली ने भी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने को उचित ठहराने की कोशिश की है। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में उन्होंने कहा, चुनाव के लिए जाना कभी भी प्रतिगामी कार्य नहीं हो सकता है। उन्होंने 28 मई को सभी राजनीतिक दलों से एक सर्वदलीय सरकार बनाने और नए चुनाव कराने का आग्रह किया। हालांकि विपक्षी दलों ने उनके अनुरोध को नकार दिया है और संसद दोबारा बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत की अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने पर केपी शर्मा ओली ने कहा था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और यहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। एक और जहां कोरोना महामारी से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोरोना वायरस टेस्टिंग को सरल बनाने की कोशिशों के बीच सिंगापुर ने एक मिनट में सांस से कोविड-19 का पता लगाने वाले उपकरण को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भारत में जन्मे एक प्रोफेसर की मदद से विकसित किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपकरण, किस तरह से कोविड में इस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। एक ओर जहां कोरोना महामारी से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोरोना वायरस टेस्टिंग को सरल बनाने की कोशिशों के बीच सिंगापुर ने एक मिनट में सांस से कोविड-19 का पता लगाने वाले उपकरण को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस उपकरण का नाम ब्रेफिंस को कोविड-19 ब्रेथ टेस्ट सिस्टम है, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भारत में जन्मे एक प्रोफेसर की मदद से विकसित किया है। इस उपकरण को NUS की ब्रेथोनिक्स कंपनी ने विकसित किया है और ये सांस से कोविड-19 की जांच करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला उपकरण है। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि ब्रेथोनिक्स सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो ट्विस्ट चेक पॉइंट पर अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ट्रायल चलाने पर फोकस कर रहा है, जहां आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्रियों की अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच की जाएगी। हालांकि सांस से होने वाली जांच के साथ ही कोविड-19 एंटीजन जांच भी होगी। कंपनी के अनुसार टेस्टिंग के लिए शख्स को इससे जुड़े एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण में फूंक मारनी होगी और जांच का नतीजा एक मिनट से भी कम समय में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस परीक्षण में संक्रमित पाया जाता है, तो पुष्टि के लिए उसकी RT-PCR पद्धति से जांच कराई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। $6 ट्रिलियन का ये बजट बतौर राष्ट्रपति बाइडेन का पहला बजट है, जो अमीरों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उनसे ज्यादा टैक्स वसूलने की कही गई है। तो चलिए जानते हैं अपने बजट में बाइडेन किन किन चीजों के लिए प्रावधान पेश करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। $6 ट्रिलियन के इस बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान पेंटागन और अन्य सरकारी कार्यालयों के संचालन के लिए किया गया है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने को तवज्जो देते हुए बजट में $800 बिलियन के प्रावधान का जिक्र है।
बतौर राष्ट्रपति बाइडेन का यह पहला बजट अमीरों के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि इसमें उनसे ज्यादा टैक्स वसूलने को कहा गया है। जो बाइडेन द्वारा पेश बजट को कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है, वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इससे देश कर्ज में डूब जाएगा। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कर्ज 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद के 117% तक पहुंच जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बजट में कोरोना महामारी से निपटने के प्रावधानों के साथ ही कई जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक परिवहन और टेक्नोलॉजी शामिल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर होगी और उसे गति मिलेगी। ये बजट हर मायने में एक आदर्श बजट है। बजट में क्लाइमेट चेंज से निपटने और क्लीन एनर्जी के लिए $800 बिलियन का प्रावधान किया गया है। 4 साल के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बजट में $200 बिलियन प्रदान किए गए हैं। सभी नागरिकों के लिए कम्युनिटी कॉलेज के 2 वर्षों के लिए $109 बिलियन, नेशनल परेड फैमिली और मेडिकल लीव प्रोग्राम के लिए $225 बिलियन, रोड और ब्रिज आदि के लिए $115 बिलियन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए $160 बिलियन और प्रत्येक अमेरिकी तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बजट में $100 बिलियन का प्रावधान किया गया है। खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।